ताशी यस लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वन ऑफ फैक्टर्स वेंट ऑफ फैक्टर्स। ओके, तो मैंने एसोसिएशन और डिसोसिएशन वगैरह सारा बता दिया था वेंट ऑफ फैक्टर का, है ना? यस सर। चलिए तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन में आप लोगों को बता चुका था वेंट ऑफ फैक्टर का, ठीक है। अब देखिए अपने पास क्या आता है, वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअल में आई इज इक्वल टू, ये भी लिखवाया होगा मैं, आई इक्वल्स टू, आई का मतलब वेंट ऑफ फैक्टर इक्वल्स टू आपका होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक है, नॉर्मल मोलर मास का मतलब ये वही हो गया जैसे आपके पास जो है CH3COOH है, ठीक है, और राइट साइड में जब प्रोडक्ट में एसोसिएट होके वो CH3COOH को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बना ले रहा था, उसी की बात कर रहे हैं 120 ग्राम। तो देखिए एक चीज और कि आई इज ऑल्सो इक्वल्स टू होता है आपका ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ऊपर में आ जाता है कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहाँ देखिए आई इज इक्वल टू ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसका मतलब ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सीपी लिख दे रहा हूँ मैं, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई इन टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो यहीं से अपने पास एक फॉर्मूला आ जाएगा हर चीज का, ठीक है, सारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, स्लाइड चेंज करता हूँ मैं, उसके बाद आप लोग लिखिएगा। यहाँ देखिए अपने पास क्या है कि एक है जैसे अपने पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आई इन टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P not A minus P A upon P not A हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास एक चीज और आ जाएगा, जैसे डेल्टा टी बी हम लोग निकाल रहे थे, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम हो जाएगा। एक काम करता हूँ, इसको मैं उल्टा लिख दिया हूँ, इसको सीधा लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई इंटू
जेटा भी, और यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए हो जाएगा। सिमिलरली डेल्टा टी एफ अगर लिखेंगे हम तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इंटू के एफ इंटू एम हो जाएगा। फिर आपके पास पाई है तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू एम इंटू आर टी। मुझसे बोल देते ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पे कि ये जो है ये क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। ये जो है आपका डेल्टा टीबी, ये क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला। ये क्या है आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्रेशर, राशि हेलो ताशी स्टैंजिन, ये आई क्या है आपका वेंट ऑफ फैक्टर है। ताशी एम आई ऑडिबल? यस सर। ये लिख लिया आपने? यस सर। चलिए ये भी लिख लिया आपने। हो जाए तो बताइएगा। हो गया? हो गया सर। चलिए अपने पास अब यहाँ पे एक नया चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 4। केमिकल काइनेटिक्स। तो देखिए केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, बेसिकली हम इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं और फैक्टर वो फैक्टर जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है। उन सब चीजों को किस में पढ़ते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स किसके अंदर पढ़ते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री या द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री which deals with the study of chemical reaction, study of rate of chemical reaction, and factor on which rate of reaction depends,
फैक्टर्स ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स, उसी को हम किस में पढ़ते हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स में, हर्षिता। यस सर। देखिए लबी मैं दो स्लाइड पीछे क्या पढ़ाया था, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आई का फॉर्मूला एक तो लिखवाया था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। आई का जो दूसरा फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, फिर आई इज इक्वल टू होता है आपका, तीन तीन फॉर्मूला है यहाँ पे, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बराबर होता है। तो ये यहाँ लिखा हूँ, इसको राइट डाउन कर लीजिए। हो गया। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जैसे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, तो I इंटू जेटा बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कैलकुलेटेड है, ये भी कैलकुलेटेड है, मल्टीप्लाई करने के बाद ये भी कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड में I से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बराबर हो जाता है, इससे लिख लीजिए आप। चलिए स्लाइड चेंज कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे अपना सेकंड चैप्टर खत्म होता है वेंट ऑफ फैक्टर पे, तो अब नया चैप्टर अपना जो आज शुरू होने वाला था वो है केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, ठीक है, और उसका मैकेनिज्म की कैसे होता है, उसको किस में पढ़ते हैं, हम केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ जी कुछ नहीं सर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात आती है केमिकल रिएक्शन की, तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली यहाँ तीन टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फास्ट केमिकल रिएक्शन, एक होता है आपका मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, और एक होता है स्लोएस्ट या स्लो केमिकल रिएक्शन। स्लो रिएक्शन, ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन, इसमें जो रेट हम पढ़ते हैं, ठीक है, एग्जांपल हम दे सकते हैं कि फास्ट रिएक्शन जो होता है वो ग्लूकोज इन वाटर का होता है, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन की जब बात करते हैं तो ये मॉडरेट रिएक्शन में ही हम रेट डिफाइन करते हैं, और स्लो की बात करते हैं तो रस्टिंग ऑफ आयरन हो जाता है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन कौन से रिएक्शन में पढ़ते हैं, मॉडरेट में पढ़ते हैं। जो ज्यादा फास्ट होता है उसकी भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ते हैं, और स्लो का भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमें किसका पढ़ना है, रेट ऑफ मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट केमिकल रिएक्शन, ठीक है। इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्टैंजिन, ताशी, हर्षिता। हो गया ताशी, हो गया सर। चलिए स्लाइड चेंज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब अपने पास क्या होता है, यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात आती है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, ये होता क्या है कि जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, उसको रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन
ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन. चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चाहे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की बात करें, जैसे मान लीजिए टी इज इक्वल टू जीरो पे 10 मोलारिटी था, टी इज इक्वल टू 5 पे वो 7 मोलारिटी हो गया, ठीक है. तो 5 सेकंड में 10 माइनस 7 अपॉन 5 करेंगे, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 7 माइनस 10 अपॉन 5, तो यहाँ पे जो आएगा आपका 3/5 वो होगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है. तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट अपॉन में टाइम. ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग तो एक बात बताइए, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल निकालते हैं कि नहीं. अब इनिशियली ध्यान से सुनिएगा, इनिशियली जो रिएक्टेंट होता है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ होता है, और रिएक्टेंट में से जब घटना शुरू होगा तो प्रोडक्ट बढ़ेगा. तो रिएक्टेंट का जो चेंज होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि फाइनल उसका हमेशा कम होगा कि नहीं. इनिशियली 10 होगा तो फाइनल जब देखेंगे, जब भी का भी चेक करेंगे तो वो तो घटेगा ना, तो फाइनल कम होगा और इनिशियल ज्यादा होगा. यस सर. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ. जैसे ए से बी में कोई प्रोडक्ट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे टी इक्वल्स टू जीरो पे इसका 2 मोलारिटी है, तो इसका 0 होगा, होगा कि नहीं हर्षिता. अब यहाँ पे t इज इक्वल टू t पे सपोज ये 1.5 मोलारिटी हो गया, यहाँ पे 0.5 हो गया, जस्ट सपोज, ठीक है. तो यहाँ पे अगर चेंज इन रिएक्टेंट निकालेंगे, चेंज इन रिएक्टेंट, तो चेंज इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल कितना हो गया इसका, 1.5 बचा है, माइनस इनिशियल 2 करेंगे तो ये माइनस 0.5 देगा कि नहीं. Yes. और वहीं पे चेंज इन प्रोडक्ट की बात करते हैं हम, चेंज इन प्रोडक्ट की, तो चेंज इन प्रोडक्ट की जब बात करते हैं तो फाइनल कितना है इसमें, 0.5 है, और इनिशियल कितना है, 0 है, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना. Yes. तो जो चेंज होगा रिएक्टेंट में वो नेगेटिव आएगा, और जो प्रोडक्ट में चेंज होगा वो पॉजिटिव आएगा. ये इसलिए बताना जरूरी था क्योंकि रेट इज इक्वल टू अगर हम लिखे तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी. ये टी का मतलब टाइम हो गया, जो चेंज इन टाइम आ रहा है, और सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन हो गया, चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो. पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट का होगा, और नेगेटिव है तो रिएक्टेंट का होगा. क्लियर है? इसे लिखिए जरा. हो गया? Yes. चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं हम लोग, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की ग्राफ जब लेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम की जब ग्राफ लेंगे तो देखिए इनिशियली जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो कुछ ना कुछ होगा आपका, और धीरे धीरे वो डिक्रीज करता जाएगा. और प्रोडक्ट की जब बात करें तो इनिशियली प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो होगा, होगा कि नहीं, और धीरे धीरे ये इंक्रीज करता जाएगा. तो यहाँ पे इस ग्राफ में अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को पहचानना हो तो ये होगा आपका रिएक्टेंट का, और जो जीरो से उठा है वो किसका होगा, आपका प्रोडक्ट का होगा, होगा कि नहीं. Yes, sir. हो गया हर्षिता? यस सर. चलिए
लिख लिया आप लोगों ने? यस। देखिए अब यहाँ पे एक रिएक्शन लिखते हैं हम लोग, ठीक है? रिएक्शन लिखता हूँ जो ए से बी में जा रहा है। ए से किस में जा रहा है? बी में जा रहा है अपने पास। तो ये वाला आपका रिएक्टेंट है और ये वाला क्या है आपका? प्रोडक्ट है, ठीक है? प्रोडक्ट है ये तो पहचानने आता ही है। तो देखिए यहाँ पे दो चीजें होती हैं। ए जो है रिएक्टेंट धीरे धीरे खत्म होता है कि नहीं? हो जाता है। और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है। तो हम यहाँ पे दो चीजें, दो टर्म लिखते हैं। एक तो लिखते हैं आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो डिसअपीयर कौन होगा? डिसअपीयर कौन होगा बताइए जरा? रिएक्टेंट होगा। तो जस्ट सपोज यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस डेल्टा ए अपॉन में डेल्टा टी। माइनस क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट हमेशा रेट क्या देगा? माइनस में देगा कि नहीं? बस ये माइनस ये शो करता है कि ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? वैसे मोलारिटी वगैरह माइनस में नहीं देखा होगा आपने, ये माइनस यही शो करता है कि ये डिक्रीज हो रहा है। और प्रोडक्ट में पॉजिटिव यही शो करता है कि वो इंक्रीज हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टू फाइनल मतलब टू टाइम पे, टी टू टाइम पे, और ए वन अपॉन में क्या हो जाएगा? टी टू माइनस टी वन। और अगर मैं लिखूं यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस, तो ये किसका होगा अपीयरेंस? रिएक्टेंट का होगा या प्रोडक्ट का? प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट का होगा, अपीयर होने लगेगा, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? डेल्टा बी अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा टी। इसके कोरेस्पॉन्डिंग कर रहे हैं तो, और ये देख लेंगे कि टी टू टाइम पे बी टू है और टी वन टाइम पे बी वन है, अपॉन में क्या आ जाएगा? टी टू माइनस टी वन आ जाएगा। तो ये रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा और ऊपर वाला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो जाएगा, ठीक है? इसे लिखिए। आशी हो गया सर। स्टैंजिन चलिए स्लाइड चेंज करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इन दोनों का जो ग्राफ है ना, अलग अलग निकालेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो अगर रिएक्टेंट का देखूं मैं, तो रिएक्टेंट का मैंने क्या बताया, पहले से ही इसका कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ये धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा, करेगा कि नहीं? और ये कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, टाइम के साथ धीरे धीरे ये डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे देख लेंगे, ये हम ले लेते हैं कि इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है इनिशियली R1 रिएक्टेंट का, और ये क्या है आपका? R2 है, ठीक है? ये T1 टाइम पे है और ये T2 टाइम पे है। तो यहाँ पे अगर हम रेट निकालते हैं, तो रेट इज इक्वल टू क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो मतलब जो टी टू टाइम पे है उसका देखेंगे तो ये कितना है? आर टू है, ठीक है? माइनस टी वन टाइम पे देखेंगे तो आर वन है। अब आप खुद ही बताइए कि आर वन बड़ा है या आर टू बड़ा है, विच वन इज बिगर, आर टू और आर वन? आर टू। नहीं, आर वन। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ है वाई एक्सिस पे, कॉन्सेंट्रेशन का, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो R2 तो छोटा है ना R1 से? R1 बड़ा है, यानी R1 अगर बड़ा है तो इसका जो आएगा वो माइनस में आएगा कि नहीं? आएगा, माइनस में ही आएगा। माइनस में ही तो आएगा, जब छोटे वाले को माइनस करेंगे बड़े वाले से तो माइनस में आएगा। तो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है कि ये माइनस में आएगा, और माइनस बस यही शो करता है कि ये डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लेंगे हम, तो अब प्रोडक्ट का बना दूंगा मैं। यहाँ पे आपका कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा, और चूंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज करता है। तो ये धीरे धीरे क्या होगा आपका? एक मिनट रुक जाइए, ऐसे नहीं इंक्रीज करेगा, ये धीरे धीरे क्या होगा आपका? इंक्रीज करेगा, ठीक है? अब यहाँ पे देख लीजिए, ये पी वन है तो ये टी वन है, ये है। यहाँ पे अगर मैंने P2 ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? T2 हो जाएगा। अब आप खुद ही बताइए, P1 ग्रेटर है या P2 ग्रेटर है? P2। P2 है, और यहाँ पे रेट का मतलब फाइनल तो P2 ही है। तो P2 माइनस में क्या आ जाएगा? P1 अपॉन में क्या आ जाएगा? T2। माइनस में आ जाएगा T1, तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा डेल्टा P, अपॉन में क्या आ जाएगा? डेल्टा T। एंड पॉजिटिव साइन टेल्स अस दैट इट इज इंक्रीजिंग। Yes.
राशि हो गया सर। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन। In the form of stoichiometry of a chemical reaction. जिसमें coefficient हो, stoichiometric coefficient other than one हो, उसके लिए क्या करते हैं? Just suppose अपने पास एक reaction दे रखा है AA plus BB will give CC plus DD, और ये जो A है आपका वो stoichiometric coefficient of A है। जैसे मैथ्स में क्लास टेंथ में आप लोगों ने coefficient पढ़ा होगा, जो मल्टीप्लाइड टर्म होता है इन वेरिएबल उसी के वो वैसा ही होता है। A का जो कॉन्सेंट्रेशन और A का जो वो होता है, ठीक है, ये क्या है, coefficient है। इस B का coefficient ये है, C का coefficient C है, D का coefficient डी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात कि रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखते हैं और प्रोडक्ट के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस लिखते हैं, अपीयरेंस लिखते हैं, और प्रोडक्ट के लिए हम रेट ऑफ फॉर्मेशन भी लिख देते हैं। फॉर्मेशन मतलब बनना, बात सेम ही है। तो यहाँ पे अगर हम लिखें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट लिखिए या फिर ए लिख रहा हूं मैं, ठीक है, पार्टिकुलरली ए के लिए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब भी कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, सबसे पहली बात कि ये रिएक्टेंट है, ठीक है, क्या है आपका रिएक्टेंट है, तो ये माइनस लगेगा, और जब भी कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वो कोएफिशिएंट आपका डिवीजन में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, डिवीजन में, बाकी जैसे आप करते थे डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी वैसे कर दीजिए, ठीक है। फिर आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए है तो बी भी है, तो डिसअपीयरेंस बी का ऑफ बी की बात करें तो बी का कोएफिशिएंट, सबसे पहले रिएक्टेंट है माइनस लगा देंगे, बी कोएफिशिएंट है तो वन बाई बी हो जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा डेल्टा बी अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं। अब प्रोडक्ट की तरफ आएंगे तो ये अपीयरेंस होता है, तो हम क्या लिखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सी की अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ क्या आएगा प्लस और वन बाई सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये सी जो है वो छोटा वाला है जो उसका स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ठीक है। फिर डी की बात करेंगे तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव और कोएफिशिएंट जो है डिवाइड कर देंगे और ये क्या हो जाएगा डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं। चलिए इसे लिख लीजिए, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आपके पूछ चुका है। हो गया सर। ओके स्टैंजिन, अब यहां पे बात आती है यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखिए, रेट में ऊपर क्या है कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी है, बिग ब्रैकेट में जब दिया हो स्क्वायर ब्रैकेट में तो ये क्या होता है मोलारिटी होती है, और मोलारिटी की यूनिट मोल पर लीटर, और नीचे टाइम है तो सेकंड आएगा, यानी इसका यूनिट जो होगा मोल पर लीटर पर सेकंड भी हो सकता है, ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट भी हो सकता है। अब आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, पर आर भी कर सकती है, मोल पर लीटर पर आर भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली जो यूज होता है वो पहला वाला होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। बाकी क्वेश्चन में जिस भी यूनिट में पूछे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको सेकंड मिनट में कन्वर्ट करने आता होगा और मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने आता है कि नहीं।
हो गया सर। हो गया, चलिए स्लाइड चेंज करते हैं और कुछ क्वेश्चंस देते हैं आप लोगों को। एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन। For following, two SO two plus O two will give two SO three. दूसरा हो जाएगा two N two O five will give four NO two plus O two. Third हो जाएगा आपके पास BrO3 minus plus 5Br minus plus 6H plus will give 3Br2 plus 3H2. फिर फोर्थ आपको दे दिया 4A plus B will give 2C plus D. इन सब का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जैसे कि अभी आपको मैंने सिखाया रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस सीख लिया आपने, फिर रेट ऑफ रिएक्शन मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। ताशी हो गया, हर्षिता सर एक बार एक बता दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। देखिए अगर इसमें पूछता मुझे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगर इसमें पूछता मुझे 2SO2 plus O2 will give 2SO3, यही दे रखा है ना। अगर देखिए इसमें मैं दोनों चीज बता रहा हूँ, अगर मुझे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछता तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ SO2 अगर पूछता तो मेरे पास क्या आता, माइनस डेल्टा SO2 अपॉन डेल्टा T। अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 पूछता
तो माइनस डेल्टा ओ टू अपॉन डेल्टा टी आता, ठीक है। वैसे ही अगर रेट ऑफ अपियरेंस पूछता तो रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ एसओ थ्री जो होता वो होता आपका प्लस डेल्टा एसओ थ्री अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये रेट ऑफ अपियरेंस और डिसअपियरेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पास पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इन टर्म्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा सारे बराबर होंगे। SO2 की बात कर रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन की जब बात किया मैंने, यहाँ पे देखिए मैंने, अच्छा ये अलग अलग लिख दिया, एक मिनट। अच्छा यहाँ पे मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बताया नहीं है, एक मिनट रुक जाइए, ये लिख लिया आप लोगों ने, चलिए ठीक है ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अपियरेंस और डिसअपियरेंस दोनों लिख दिया। अब रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हमारे पास क्या आएगा कि सबसे पहले ये रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, इसका जो भी कोएफिशिएंट है वो डिवाइड में आएगा, उसके बाद लगेगा डेल्टा एसओ टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, सिमिलरली ओ टू की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट है तो माइनस में आएगा और वन है तो वन से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इक्वल टू में आएगा, ये प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू है तो इससे डिवाइड कर देंगे और ये डेल्टा एसओ थ्री अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। इसे कहते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कहते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम, मैंने बस ये पूछा था, मैंने इसको बस कनेक्ट किया ऐसे ही, देखिए एक मिनट, इसको जब बात कर रहे थे इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होता तो मैं क्या करता, रेट ऑफ रिएक्शन बस इस रिएक्शन को देखता और कैसे कर देता। देखिए ध्यान से, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका लिखना होता तो यहाँ सबसे पहले ये रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, ठीक है, और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड कर देंगे, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे क्या आता, रिएक्टेंट तो माइनस आएगा और जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, और डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है सी है तो यहाँ पॉजिटिव डाल देता, वन बाई सी हो जाता, डेल्टा सी अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा डी अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा कि नहीं, तो इसे लिख लीजिए, फिर वो क्वेश्चंस को ट्राई करिए, अभी के अभी हो जाएगा। तो क्वेश्चंस दिखा दीजिए जी, ये रहा, ताशी आपको समझ में आया? यस सर। जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए जरा। सेकंड नंबर का हो जाएगा, क्या होगा सेकंड नंबर का, माइनस वन अपॉन टू जी, डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी इनटू डेल्टा एन टू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एन टू ओ फाइव अपॉन डेल्टा टी, वेरी गुड, इक्वल्स टू
इक्वल्स टू प्लस वन अपॉन फोर डेल्टा एन ओ टू अपॉन डेल्टा टी प्लस वन अपॉन वन डेल्टा ओ टू अपॉन डेल्टा टू. वेरी गुड, राशि आपका आया. आया सर. ठीक है, जी फोर्थ वाले का आंसर है माइनस वन अपॉन फोर. देखिए मैं लिख रहा हूँ, आप मिला लीजिए. माइनस वन बाई फोर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी. थर्ड का थर्ड एक बहुत आसान है ये, है ना हर्षिता? यस. आशी आपने अब तक एक भी आंसर नहीं दिया. स्टैंजिन आ गया सर. थर्ड वाला. यस सर. थर्ड आ गया सर. थर्ड आ गया. हाँ बोलिए. देखिए यहाँ पे मैं खुद ही लिख, रुक जाइए मैं खुद ही लिख देता हूँ. माइनस डेल्टा बी आर ओ थ्री माइनस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव डेल्टा बी आर माइनस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस वन बाई सिक्स डेल्टा एच प्लस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस में आ जाएगा वन बाई थ्री डेल्टा बी आर टू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं प्लस का वन बाई थ्री डेल्टा एच टू अपॉन डेल्टा टी. सही है ताशी? चलिए स्लाइड चेंज करूं. राशि सही है? यस सर. चलिए एक क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल करते हैं फॉर द रिएक्शन. टू एन टू ओ फाइव जो हमें देता है फोर एन ओ टू प्लस फोर टू. If the concentration of NO2 increases by 1.6 into 10 raised to the power minus 2 m molarity
पर सेकेंड यानी मोल पर लीटर पर सेकेंड इन फोर सेकेंड्स, इन फोर सेकेंड्स कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग की जब बात होती है तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ टू, बी जो आता है आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओ टू, सी जो आ जाता है आपके पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ एन टू ओ फाइव, और फिर आ जाएगा आपके पास डी वाला रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए जी। फॉर्मेशन ऑफ N2O हो जाएगा वन प्लस वन अपॉन फोर डेल्टा टी NO2 अपॉन डेल्टा टी। एक्चुअल में इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बताना है कि कितना होगा, जैसे इसमें वैल्यू दे रखा है ना, ये न्यूमेरिकल पार्ट है आपका, तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लीजिए, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बाद रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आपको बताना है कि कितना बनेगा, उसका रेट बताना है। हाँ, कितने रेट से बनेगा NO2। स्टैंजिन ताशी यस सर, क्वेश्चन हो जाएगा या बताऊं? बता दो सर। ठीक है, सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन क्या है, 2N2O5 विल गिव 4NO2 प्लस O2। इसका लास्ट वाले क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब दे देता हूं मैं, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन अगर इसका लिखें तो ये क्या आएगा, माइनस वन बाई टू डेल्टा एन टू ओ फाइव अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस का वन बाई फोर डेल्टा एन ओ टू अपॉन में डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल्टा ऑफ ओ टू अपॉन में क्या आ जाएगा डेल्टा टी, आ जाएगा कि नहीं? ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इसमें एक चीज दे रखा है कि इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इंक्रीजेस बाय 1.6 इनटू 10 रेस टू द पावर माइनस 2 मोलारिटी पर सेकंड इन 4 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया हमने, ठीक है, और जब NO2 का रेट लिखेंगे, ठीक है, तो रेट ऑफ NO2 जो होगा आपका, ठीक है, रेट ऑफ NO2 का मतलब क्या हो गया कि ये अपियर जो हो रहा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन बेसिकली हो रहा है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन या अपियर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास डेल्टा NO2 अपॉन में dt आएगा। देखिए डेल्टा के जगह dt भी लिख सकते हैं हम लोग, d लिख सकते हैं, डेल्टा के जगह क्या यूज कर सकते हैं, d यूज कर सकते हैं इजिली, डेल्टा लिखें या फिर d, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ कहीं कहीं डेल्टा लिख दूंगा तो समझ जाइएगा कि डेल्टा की d लिख दूंगा तो समझ जाइएगा इसी की बात हो रही है। अब देखो, देखिए आप लोग, जब रेट ऑफ अपीयरेंस की बात करेंगे या फिर फॉर्मेशन की बात करेंगे इसकी, तो ये क्या होगा डी एनओ टू अपॉन डी टी,
और DNO2 का जो वैल्यू है वो कितना इंक्रीज कर रहा है, 1.6 into 10 raised to the power minus 2, और जो टाइम है वो 4 सेकंड्स है कि नहीं बताइए। yes, अब इस डेसिमल को हटाएंगे 10 नीचे आएगा और ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो ये 4 into 10 raised to the power, ये पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस होके 3 मोलारिटी पर सेकंड हो जाएगा कि नहीं, हो गया। तो ये हो गया रेट ऑफ अपीयरेंस या फॉर्मेशन, ठीक है, किसका, NO2 का, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तो अपना निकल गया 4 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 3 मोलारिटी पर सेकंड। अब पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, तो यहाँ पे देखिए अगर आप, ठीक है, हमारा जो वैल्यू आया इसको D बना देता हूँ, सबको D बना देता हूँ, आसानी हो जाएगी थोड़ी देखने में, डेल्टा से भी कर सकते हैं आप लोग, डी बना देता हूँ मैं इसे, इससे भी डी। अब बताइए हमने NO2 का वैल्यू निकाला है, किसका वैल्यू निकाला है, इसका, और रेट ऑफ रिएक्शन से पता चल रहा है कि ये वाला जो वैल्यू दोनों है वो इक्वल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 की जब बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ O2 की, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि 1/4 डी ऑफ NO2 अपॉन dt इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, डी ऑफ O2 अपॉन dt, ठीक है। yes. हमें वैल्यू किसका निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, यही तो है रेट ऑफ फॉर्मेशन है कि नहीं। yes, ये तो यहाँ पॉजिटिव होगा, गलती से नेगेटिव लगा हुआ है। तो अगर हम ऐसा कर दें कि 1/4, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि 1/4 है तो 1/4, और ये सेम दिख रहा है, तो इसका वैल्यू कितना है, इंटू 4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 आया कि नहीं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, और इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 जो होगा वो 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मोलारिटी पर सेकंड होगा कि नहीं, हो गया। yes. अब अपने yes, पास देखिए, एक मिनट, अपने पास तीसरा सवाल क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, यहाँ पे देख लीजिए ये इसी के बराबर है, किसके बराबर है, इसके बराबर। सबसे पहले रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे N2O5 का, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 ऑफ N2O5 इज इक्वल टू माइनस डी ऑफ N2O5 अपॉन dt, यही होगा ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखे तो यही होगा ना। yes. ले अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये दोनों चूंकि बराबर है ये और ये, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा माइनस 1/2 डी ऑफ N2O5, ठीक है, अपॉन में dt इज इक्वल टू प्लस का 1/4 डी ऑफ NO2 अपॉन में क्या आ जाएगा, dt। और हमें वैल्यू किसका चाहिए, हमें वैल्यू बस इसका चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस को ऐसे ही रखिए, डी ऑफ N2O5, ठीक है, माइनस बस यही डिटरमाइन करता है कि वो डिक्रीज हो रहा है, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 अपॉन 4 डी ऑफ NO2 अपॉन में dt आ जाएगा, और ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स में, तो यहाँ बचा 1/2, और यहाँ पे आप खुद ही देखिए इसका जो वैल्यू है वो कितना है, इसका वैल्यू जो था 4 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मोलारिटी पर सेकेंड था, yes. था कि नहीं, तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 जो होगा वो क्या आएगा अपने पास, 2 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 3 मोलारिटी पर सेकेंड, ठीक है। yes. yes, इसे लिख लीजिए, राशि हो गया, हो गया सर। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट वगैरह हो तो। हो गया, चलो कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, लास्ट क्लास से, लास्ट चैप्टर से कुछ पूछना है। कुछ पूछना है, यस और नो?
ओके चलिए इधर देखिए रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है? सबसे पहले ये एक एक्सप्रेशन होता है, इसको हम इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस करते हैं टू कुछ पावर में, ठीक है। वो जो पावर होता है आपका वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, इट स्टेट्स दैट द एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन of rate of reaction in terms of reactant in terms of concentration of reactant is known as rate law। मतलब ये जो रेट लॉ होता है आपका बेसिकली वो किसके टर्म में होता है? रिएक्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के टर्म में होता है आपका रेट लॉ। एज फॉर एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, ए ए प्लस बी बी विल गिव सी सी प्लस डी डी, ठीक है। ए ए प्लस बी बी विल गिव सी सी प्लस डी डी। तो यहाँ पे अगर रेट देखेंगे तो ये जो रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टेंट टू द पावर समथिंग, ठीक है। जस्ट सपोज ए एंड बी भी रिएक्टेंट है टू द पावर समथिंग दैट इज वाई। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं, एक्स और वाई अभी बताऊंगा मैं क्या है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो इक्वल टू आता है और के आ जाता है। के जो होता है आपका, इसको हम कहते हैं रेट कॉन्स्टेंट। क्या कहते हैं हम इसे? रेट कॉन्स्टेंट। और ए का पावर एक्स और ये बी का पावर क्या हो जाता है? वाई होता है। सबसे पहली बात ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ये जो x और y जो होता है आपका, x एंड y, ठीक है, बोथ आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, ठीक है। ये क्या होता है आपका? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ठीक है। इट मे बी, मे और मे नॉट बी इक्वल टू इट्स स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये अपने स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नंबर होता है एक्स और वाई, ठीक है। जैसे एक्स जो होता है, ठीक है, वो ए के स्टोइसियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यानी ए के, स्मॉल ए के बराबर हो सकता है, और जो वाई है वो आपका बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये जो एक्स और वाई जो होता है आपका वो कैसे डिटरमाइन होता है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं हम लोग, ठीक है। यस हो गया। स्टैंजल अब देखिए, यहाँ पे एक नया टर्म आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ये रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही मिलेगा। देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ फॉर्मेशन, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन आया था इन टर्म्स ऑफ इट्स स्टोइसियोमेट्रिक, उसके बाद आया आपका रेट लॉ, और फिर आ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं, एक्चुअल में क्या होता है कि जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में, ऑर्डर की बात कर रहा हूं मैं, जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में पावर जो होता है आपका, उसके सम को हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके सम को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी एक्स प्लस वाई जो होता है वो क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट लॉ, ठीक है,
in rate law is called order of rates. The sum of power of concentration of reactant in rate law expression, in rate law expression is called order of reaction. ठीक है, just suppose अपने पास एक rate given है, rate is equal to पिछले वाला ही ले रहा हूँ, k into a का power x into b का power y. तो ये जो x plus y है basically जो power है आपका, ये y और x, वो n होता है और n को क्या कहते हैं हम, order कहते हैं. क्या कहते हैं? Order of reaction x plus y is equal to n कहते हैं. Clear है? x yes. plus y is equal to n कहते हैं order. ये जो x होता है आपका वो होता है order of reaction with respect to a, और b y जो होता है वो होता है order of reaction with respect to b, और जो n होता है वो होता है overall order of reaction, overall order of reaction. इससे लिख लीजिए. Okay. लिख लिया आप लोगों ने? यस सर. चलिए, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर फॉलोइंग रेट इज इक्वल टू, दे रखा है के इंटू ए का पावर जीरो, बी दे रखा है रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर थ्री बाई टू एंड बी का पावर वन बाई टू, रेट इज इक्वल टू दे रखा है आपका के इंटू ए का पावर माइनस वन एंड बी का पावर थ्री बाई टू, एंड डी दे रखा है आपका रेट इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर थ्री एंड बी का पावर फोर एंड सी का पावर जीरो एंड डी का पावर वन. सर ए का जीरो, फर्स्ट का जीरो एंड सेकंड का टू. गुड. थर्ड का माइनस वन अपॉन टू. वेरी बैड. कितना होगा लास्ट वाले का? टू सर. डी का कितना होगा? बी का. डी 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 जिस पे टिक सर, एट सर. एट होगा क्योंकि ये थ्री प्लस फोर प्लस जीरो प्लस वन इज इक्वल टू एट ऑर्डर होगा कि नहीं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, माइनस वन दे रखा है, प्लस थ्री बाई टू करना है, तो ये माइनस टू प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा. एलसीएम लेके ये सॉल्व करेगा तो प्लस वन बाई टू आएगा. आपने माइनस वन बाई टू बोला था हर्षिता. और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही था, थ्री बाई टू प्लस वन बाई टू विच इज इक्वल टू फोर बाई टू सेकेंड ऑर्डर, और ये जीरो दे रखा है तो ये क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? जीरो. स्लाइड चेंज करूं? अब देखिए, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लीजिएगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और
फ्रैक्शन, फ्रैक्शन भी हो सकता है पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो भी हो सकता है, इस बात को लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक टॉपिक आता है अपने पास, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या है इसमें पता है आप लोगों को? रेट कांस्टेंट के तो हमें के का यूनिट निकालना है, आप निकाल सकती हैं हर्षिता? के का यूनिट हाँ चलिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। इधर रेट इज इक्वल टू क्या होता है, के इंटू ए का पावर समथिंग एंड बी का पावर समथिंग, कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी बहुत सारे भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। तो के इज इक्वल टू रेट अपॉन में ए का पावर एक्स इंटू बी का पावर वाई है। मैं इसको क्या करता हूँ, रेट अपॉन में, ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन दोनों का मिला देता हूँ सी, और इन दोनों का सम जो होगा एक्स प्लस वाई, विच मीन्स रेट अपॉन में कोई भी कॉन्सेंट्रेशन सी हो जिसका पावर एन हो, क्योंकि ऑर्डर अगर चेंज होगा तो आपका इसका यूनिट भी क्या होगा, चेंज होगा कि नहीं? हाँ यस सर। जैसे अभी अपने पास क्या आया, आ गया कि के इज इक्वल टू रेट अपॉन सी का पावर एन आ गया, ठीक है। रेट का यूनिट मैंने पहले ही बताया है मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, जस्ट सपोज कि ये जीरो ऑर्डर के लिए हम निकाल रहे हैं, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे सी का पावर क्या हो जाएगा बताइए जरा? हम जीरो सर। जीरो हो जाएगा, एन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर मतलब पावर जीरो हो जाएगा। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में के का जो यूनिट होता है वो क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्योंकि किसी भी चीज के पावर जीरो इक्वल्स टू वन होता है कि नहीं? अब दूसरे में अगर अपने को दे दिया सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, क्या दे, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेते हैं पहले, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे दिया अपने को, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर अपने को दे देता है तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर हम लगाएंगे के इज इक्वल टू रेट अपॉन सी का पावर एन, एन के जगह क्या आएगा, वन आएगा कि नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। रेट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये कॉन्सेंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर होता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ताशी। तो के यूनिट की बात करें तो ये होगा पर सेकेंड, क्या होगा, के का यूनिट क्या होगा, पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों चीज को लिखिए, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस। चलिए स्लाइड चेंज करता हूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? यस। तो देखिए अब मैं फॉर सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाल रहा हूं, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के इज इक्वल टू रेट अपॉन में सी का पावर क्या आएगा बताइए जरा, सेकेंड ऑर्डर है तो सी का पावर क्या आ जाएगा, टू सर, टू आ जाएगा। रेट का यूनिट पहले से पता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, और सी का जो होगा मोल पर लीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, बस मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन में ये क्या हो जाएगा, मोल का स्क्वायर लीटर का पावर माइनस टू। अब जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो वन माइनस टू तो माइनस वन बचेगा, ये जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो यहाँ पे प्लस वन ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर आपके पास क्या आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा, पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए है, ठीक है, ये आप लोगों के घर के लिए है। अभी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, फाइंड यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर का निकालना है और 10th ऑर्डर का निकालना है, ये आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है? यस सर। और कोई किसी को प्रॉब्लम, डाउट वगैरह? और हर्षिता प्लीज बी ऑन टाइम, ठीक है? यस यस सर। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मॉलिक्यूलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा पढ़ के आइएगा आप लोग, ठीक है? मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी,
ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के आइए, बहुत अच्छा लगेगा, फिर समझ में आएगा तो पढ़ने में भी अच्छा लगता है ना।